अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान नबी लॉग्स और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है। और फैसल भाई, जो सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, अच्छी है बुरी है, ये आप ही मुझे बताएंगे, क्योंकि 3-3 सेंचुरी होने के बावजूद हम 150 रन पीछे हैं और रोड जैसी पिच है और कुछ समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। 7 सेंचुरी हो चुकी हैं अभी तक जी, 3 दिन हुए और 7 सेंचुरी हो चुकी है। मेरा ख्याल है मुझे कहना चाहिए इस टाइम फॉर टपाल टी पियो और सोया हुआ टेस्ट भाई देखते रहो, बस यही है कि बैटिंग छक्के चौके देखते रहो। अच्छा, इसमें ये इसका भी हमें चेक करना पड़ेगा, अगली वीडियो में देख के बताएंगे व्यूवर्स को क्योंकि एक टेस्ट मैच में मैक्सिमम कितनी सेंचुरी बनी हुई, इसका क्या रिकॉर्ड है। हाँ, ये भी चेक करेंगे, 7 तो बन चुकी है और एक दो बन गई तो रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि 113 साल रिकॉर्ड पहले टूट चुका है, हो सकता है कोई 150 साल, ये भी चेक करना पड़ेगा, मजीद भी टूट गया। तो ये रावलपिंडी स्टेडियम जो है ना, ये एक मेरा ख्याल तारीख साल स्टेडियम बन गया है। इसमें हम क्या बात करें, कमाल हो गई। डेली आते हैं, हंस के वापस चले जाते हैं। आज बाबर आजम ने भी सेंचुरी कर दी, कहावत बनी हुई थी। आज मैंने इंटरनेट पर देख रहा था कि टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट्स फ्रॉम मेलबर्न इन 19 समथिंग एंड डाइड एट रावलपिंडी टुडे। तो ऐसे ही हो रहा है कि आज तो टेस्ट क्रिकेट को तबाह करने वाली यार, कि एक T20 की जो लीग की स्पॉन्सरशिप है ना, मेरा ख्याल है वो बढ़ जाएगी अब, और टेस्ट क्रिकेट जो है ना अपनी मौत मरने वाली है अगर इस तरह की विकेट बलती रही। नहीं नहीं, वैसे भाई ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही ये काम कर सकता था। आप इंडिया में भी जाएं तो 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता है, एंटरटेनिंग मैचेस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में इतना क्रिटिसाइज किया, किसी को समझ नहीं आई कि यार हमने कोई ऐसी विकेट बनानी नहीं। देखें, रन्स बने हैं, अच्छी बात है रन्स बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी वेस्ट इंडीज जो हो रहा है तो 500 रन्स बने हैं और आज वेस्ट इंडीज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो रन्स बने हैं, साथ थोड़ी बॉलर्स की हेल्प हो तो एक टेस्ट मैच मजेदार होता है। डेड पिच वैसे भाई आपने कभी देखा है, व्यूअर्स ने भी देखा होगा, जब वो कैमरा डालते हैं ना, जब बॉलर बॉलिंग कराने के लिए आता है ऐसे शाइन आ रही थी, बोला थी वो लगता है फर्स्ट डाला है। शायद आप कह रहे लगे कि जब कैमरा डालते हैं बॉलर पे तो बॉलर एक मासूम सा लगता है यार, एक मजलूम सा मस्कीन सा लगता है, सारा ग्राउंड ग्रीन है, वो जो चार पिचेस है ना वो बिल्कुल ही वो मेरा मार्बल पत्थर के मार्बल की बना दी, उन्होंने गलती हो गई, शायद मेरा ख्याल रोड बनाना था इन्होंने, तो उसका जो लुक नहीं होती वो नीचे डाल। चले वैसे भी आज के दिन में थोड़ा डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान को 158 मजीद अभी रन बनाने हैं ट्रेल पूरी करने के लिए। तो आज के दिन की जो पॉजिटिव है वो देखते हैं कि जो हमारे जो ओपनर्स हैं उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल कर ली, और जो बाबर आजम है वो दोबारा वर्ल्ड कप के बाद फॉर्म में आए हैं, जबरदस्त सेंचुरी बनाई, 138 करके आउट हुए हैं और बड़ा अच्छी रेट पे किया, 170 बॉल्स पे किया है। उनको मैच तो नहीं कर सकी जैसे इंग्लैंड ने फास्ट किया था, 100 प्लस स्ट्राइक रेट से खेली, लेकिन अच्छी अगर वो बाबर आजम रन ना बनाते तो पाकिस्तान काफी स्ट्रगलिंग कर रहा था और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारे जो आगा सलमान है जो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, अब इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि शायद वो एक 100 रन और मजीद जोड़ दें तो शायद कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। अगर तो पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया और 120 की लीड इंग्लैंड ने ले ली और कल फिर उन्होंने 300 और करके 400 का टारगेट रखा दिन पाकिस्तान की कांपे टाग जानी है और पाकिस्तान को कुछ भी हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान को कल जो है ना वो कुछ ना कुछ करके अपनी जो लीड है ना वो उतारनी पड़ेगी, जो ट्रेल है ना वो उतार ली तो पाकिस्तान इंग्लैंड को 150 पे आउट करे और फिर चेस कर ले। ये मैच जब है इंडिया में या मेलबर्न में या साउथ अफ्रीका भी केप टाउन में नहीं हो रहा, जहाँ बॉल यूं जाएगी, ये बिल्कुल सीधी है, ये देख रहे हैं यूं बॉल इससे मूव होनी नहीं, आप तो आजकल वीडियो भी सिखा रहे हैं, ये बॉल जो है ना बिल्कुल सीधी सीधी आनी है, वो बैट्समैन अंधा होके भी खेलेगा तो उस छक्के चौके मार सकता है। तो मिलते हैं हमारी कल, ये जो कमेंटेटर थे इंग्लैंड से जो कमेंटेटर आए हैं वो इंतजार करेंगे, पिच डिटेरियरेट करेगी, टूटेगी, कुछ होगा, वो हो नहीं रही है। ये कैसे हो सकता है, ये हमने एलपी से पिच जोड़ी, ये भी टूटेगी ये पिच। लेकिन एक पॉजिटिव वोट मैंने मुगल का गार्डन है और मैंने एक पॉजिटिव वोट बनाया, मैं बताऊँ आपको, पहले दिन गिरी थी सिर्फ 4 विकेटें, अगले दिन गिरी 6 विकेटें, अब आज के दिन में गिरी हैं तकरीबन 7 विकेटें, तो ये पॉजिटिव ही है। तो क्या लगता है आपको अगले 2 दिन में 10-10 विकेटें गिर सकती है, तो आगे ज्यादा आज विकेटें बढ़ रही है तो 10-10 और गिर सकती हैं। चले देखते हैं अब क्या बोलता है कि वो विकेट तो है ना मुगल के गार्डन और स्टील गार्ड्स की, वो बना दी नीचे और की बेस डाल दी, शायद इस विकेट पे आप बुर्ज खलीफा जैसी एक इमारत भी खड़ी कर सकते, इतनी मजबूत इसकी बेस है मेरे हिसाब से। तो आज के दिन की यही बेसिक हेडलाइट थी कि बाबर आजम ने रन बना दिए हैं, दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी कर ली है, 7-7 सेंचुरियां बन चुकी हैं टेस्ट मैच में, 10 सेंचुरियां 3 दिन और 7 सेंचुरियां, आह क्या कमाल की विकेट बनाई। अब कल का दिन भी बहुत करीब है, वैसे भी आज मीडिया थोड़ी लेट बन रही है, वैसे गलती करी बाप, ये ना उसकी गलती थोड़ी सी होगी, हमारी विराट कोहली अगर पाकिस्तान से लड़ते ना और पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलते ना तो उनको 3 साल वेट ना करता करना पड़ता ये सेंचुरी के लिए, पाकिस्तान आते रावलपिंडी में मैच करते 100% सेंचुरी बनाते वहाँ पर। चले बाकी ये तो बैटिंग पैराडाइज विकेट है और ऐसी विकेट बननी नहीं चाहिए। अब आगे जो नई आपको न्यूज़ मिल रही है कि जो कराची और मुल्तान है वो भी इसी तरह के पिच आपको लेकर
बैट तैयार कर रहे हैं, तो ये सीरीज कहाँ जा रही है बेचारों को? अगर बुलाना ही था और खिलाना ही था अगर तो अगर फिर... अगर तो ऐसा ही है ना, तो फिर हमें इस सीरीज से हटके ना फीफा वर्ल्ड कप भी देखना चाहिए, वहाँ पे एक्साइटमेंट काफी हो रही है। अर्जेंटीना जीत गए आज, अर्जेंटीना जीत गए। आपके साथ अर्जेंटीना का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आप उनको वीडियोज को रिस्पॉन्ड नहीं करते। मेसी ने आज गोल किया वैसे जी। चले कोई बात नहीं, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कल के दिन देखते हैं कि मिलते हैं, चौथे दिन हो सकता है पाकिस्तान डोमिनेट कर जाए। तो कमेंट भी कर दिया करें कि क्या आप देख रहे हैं, कैसी विकेट चाहते हैं, आगे क्या करेगा, कुछ बोले आप भी बोले। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।